गाइस अभी हम लोग सीएमपी के कॉलेज के बाहर आ चुके हैं और अंकल जी यहीं पे सीएमपी में इकबाल का काम करते हैं सुरक्षा में। तो अंकल जी कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे। यहाँ का कॉलेज का कायदा बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाने वाले बहुत कैपेसिटी, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई जाती है सर। बिल्कुल, हम लोग अभी सीएमपी के आगे गेट पे खड़े हैं और उसके बाद में हम लोग अंदर चलेंगे कॉलेज को, उसके बाद फिर मैं आपको पूरे कॉलेज को दिखाऊंगा। ये अलावा यूनिवर्सिटी के बाद मेन कैंपस के बाद सबसे बेस्ट कॉलेज इसे भी माना जाता है। तो फिर हम लोग अंदर चलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सीएमपी कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और गेट आप पीछे देख सकते हैं, मेन गेट है। और पीछे देखिए जैसे सीएमपी के अंदर आते हैं यहाँ पे एक मंदिर है और फिर उधर सारे डिपार्टमेंट वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। उधर आर्ट्स के फैकल्टी वगैरह हैं और इधर साइंस वगैरह के फैकल्टी है, तो मैं आपको और यहाँ पे बहुत कुछ दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी जब शूट करने के लिए आए हुए थे तो यहाँ पे देखिए पीछे यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आप पीछे यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एडमिशन वगैरह का काम चल रहा है जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भीड़ है। आप देख सकते हैं पीछे एडमिशन वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड में पीछे साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे परीक्षा केंद्र पीछे और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ पे एडमिशन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको एडमिशन का कोई भी एडमिशन लेना है या एडमिशन करवानी है तो पीछे आप इसी जगह पर आ सकते हैं। जैसे ही आप अंदर आते हैं कॉलेज का तो वहीं पर आगे पे आप इसको यहाँ पे आपको मिलेगा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ा उस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद पीछे आप इंक्वायरी ऑफिस, अगर आपको कोई इंक्वायरी वगैरह इस कॉलेज का चाहिए तो आप यहीं से ले सकते हैं। गाइस ये डिपार्टमेंट के सामने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड वगैरह बना पड़ा है, जहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड है जहाँ पे कोई भी लोग आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। धूप वगैरह बैठने के लिए बहुत कुछ है और गार्डन टाइप का ये बना हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आए पड़े हैं। जब मैं यहाँ पे अभी सेंट्रल ग्राउंड आया था यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखते हैं पीछे चौधरी महादेव प्रसाद का प्रतिमा लगी पड़ी है, जो इस व्यक्ति के नाम पे यह कॉलेज का नाम पड़ा है उन्हीं की मूर्ति है। यह कॉलेज का स्टेब्लिश 1950 में हुआ था। मैं इसको बता दूं कि 1950 में इस कॉलेज की स्टेब्लिश हुई थी और इन्हीं चौधरी महादेव प्रसाद के नाम पे यह कॉलेज का नाम पड़ा है और उनकी प्रतिमा लगी पड़ी है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके रुक सकते हैं, अच्छी बड़ी ग्राउंड है। कॉलेज के जस्ट आप इंटर करोगे तो यहीं पे है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ग्राउंड से बाहर निकले तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट है, संगीत विभाग, तो मैं आपको संगीत विभाग के अंदर लेके जाने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ इम्पॉसिबल ना, नहीं तो मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी अंदर आए हुए हैं, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इन्हीं की ऑफिस है यहाँ अंदर। और फिर मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं यहाँ आगे बढ़ा तो आप देख सकते हैं पीछे आज सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने यहाँ पे देखिए ये सभागार है और ये अभी बंद है, नहीं तो मैं इसको ज़रूर दिखाता यहाँ पे।
सभागार आप अंदर की ओर देख सकते हैं यहाँ पे उसका। जब हम इससे आगे जा रहे हैं और मैं आपको अभी बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो गाइस यहाँ से हम लोग आगे आए तो यहाँ पे देख सकते हैं आसन अधिकारी लोग वगैरह यहीं पे रुकते हैं, मुख्य अनुशासन अधिकारी और जो कि सुरक्षा वगैरह के लिए रहते हैं। और वहीं से जब मैं आगे बढ़ा तो यहीं पर अनुशासन विभाग है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे आगे आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम आगे आ रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है पीछे और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह है। और इसके जस्ट सामने में यहाँ पे देख सकते हैं भूगोल विभाग यानी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और फिर मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट है अंदर की ओर, और यहाँ पे टेनिस कोर्ट है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट भी अंदर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है और फिजिक्स डिपार्टमेंट यहीं पर है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियोज़ के सहारे। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स विभाग के हम सामने हम लोग खड़े हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट का यही मेन गेट है। और यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह होती है, फिजिक्स की जितने भी प्रैक्टिकल वगैरह आते हैं इसी के अंदर होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर चल के। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे लेबोरेटरी है और फर्स्ट ईयर की, और इधर साइड सेकेंड ईयर की। तो मैं आपको अभी दोनों साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। लोग जब फिजिक्स डिपार्टमेंट के बाहर जब आएँ तो उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं क्रिकेट ग्राउंड है, जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल और बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। तो मैं आपको ग्राउंड के अंदर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सीएमपी के ग्राउंड में आ चुके हैं, प्ले ग्राउंड में, जहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल वगैरह सब खिलवाया जाता है और वॉलीबॉल वगैरह भी होता है उधर साइड। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह है कॉलेज का यहाँ से, और उस साइड जो आप देख रहे हैं वो साइड वास है, यहाँ पे हॉस्टल है कॉलेज की। तो मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। पीछे तो देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टल है कॉलेज की सीएमपी की, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे लाइब्रेरी वगैरह आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस हम भी जो प्लेग्राउंड था उसके जस्ट सामने यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी है, बच्चे वगैरह यहाँ आके पढ़ते हैं। अभी छुट्टी चल रही है तो कॉलेज वगैरह बंद है, तो इसलिए लाइब्रेरी भी बंद है, नहीं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की लाइब्रेरी है और बच्चे वगैरह यहाँ के पढ़ने आते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे हम लोग लाइब्रेरी से आगे बढ़े, ये देखिए लाइब्रेरी का ही कुछ पार्ट है यहाँ पे, ये लाइब्रेरी में इंगेज है। और ये कितनी अच्छी स्ट्रक्चर बनी पड़ी है यहाँ पे कुछ कॉलेज की, आप देख सकते हैं।
क्लासेस वगैरह भी ओपन है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, जिस वजह से अभी ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन जब क्लासेस चलती है तो ये पूरी तरीके से क्लीन रहता है यहाँ पे। गाइज हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, क्लासेस वगैरह आपको दिखा दिए, और फिर मैं आपको अभी कुछ और डिपार्टमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। गाइज हम लोग आगे चल के यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के जस्ट सामने आ चुके हैं, और ये पीछे कॉमर्स डिपार्टमेंट है। अभी क्लासेस वगैरह तो ऑफिस वजह से बंद है, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस यहाँ पे चल रही है, तो मैं आपको कॉमर्स डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉमर्स डिपार्टमेंट के जस्ट सामने हैं, और उसके अंदर जाने की कोशिश करके आपको वहां से दिखाते हैं। गाइस अभी हम लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं, यहां पे क्लासेस वगैरह कॉमर्स की चलती है, और यहां पे क्लासेस वगैरह हैं। देखिए अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब जगह क्लोज है, तो इस वजह से अभी क्लासेस संबंधित नहीं, तो क्लासेस रेगुलर चलती रहती है। और देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बहुत कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पर दीवार वगैरह भी अच्छी सी पेंटिंग की गई है, और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की गई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप वगैरह है, और यहाँ पे कुछ प्लांट वगैरह से भी बिजनेस वगैरह का दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें अद्भुत पेंटिंग है दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऑफिस वगैरह काम वगैरह चलती है यहीं पे, तो यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग आपको आगे की ओर जा के दिखाते हैं। गाइज हम लोग अब आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे देख सकते हैं ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड से जस्ट आप आगे बढ़ते इधर साइड, मैं आपको बॉटनी डिपार्टमेंट वगैरह को दिखाने की कोशिश करता हूँ। पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बास्केटबॉल है, और पीछे जैसे बास्केटबॉल जाओगे आप, यहाँ पे देख सकते हैं जिम है, और कॉलेज वगैरह के जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिम वगैरह कर सकते हैं, तो मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइस अब हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, और आगे का कुछ कुछ डिपार्टमेंट वगैरह बचा है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हम लोग जिम से आगे। तो गाइस हम लोग वहाँ से आगे निकल के जिम वगैरह दिखा के आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट बची पड़ी है, तो मैं उसको कंप्लीट करके आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे जूलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, बोटनी डिपार्टमेंट हो गया, तो मैं दूसरे साइड आ रहा हूँ, तो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड के जस्ट सामने जो था, यहाँ पे देख सकते हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट है, और बोटनी वगैरह का डिपार्टमेंट यही है, और आप उसके जस्ट सामने देखिए पीछे ग्राउंड वगैरह है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट और बोटनी डिपार्टमेंट पीछे, तो मैं आपको वीडियो के सहारे दिखाने की कोशिश करता हूँ। बॉटनी का डिपार्टमेंट का कॉरिडोर है, और मैं आपको भी दिखाता हूँ, और बहुत सारे डिपार्टमेंट उधर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बायोलॉजी लैब है, पीछे बायो वगैरह की प्रैक्टिकल होती है, तो अंदर क्लासेस वगैरह चल रही, तो अंदर परमिशन नहीं होगी अंदर जाने की, तो आप मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत कुछ देख सकते हैं। आप बोटनी डिपार्टमेंट और जियोलॉजी से के डिपार्टमेंट से बाहर आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे यही डिपार्टमेंट के सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह है, और मैं आपको यहाँ पे गार्डन वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोटनी डिपार्टमेंट का गार्डन है। गाइज हम लोग यहाँ पे जियोलॉजी और बोटनी डिपार्टमेंट से जब बाहर निकले, तो उसकी कुछ रिसर्चिंग प्रैक्टिकल वगैरह इसी गार्डन के अंदर होती है। यही बोटनी डिपार्टमेंट की गार्डन है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ अंदर चल के। तो गाइस
गाइज हम लोग यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट के रिसर्च गार्डन में आ चुके हैं, जहाँ पे कि प्रैक्टिकल वगैरह होती है, क्योंकि यहाँ बॉटनी से रिलेटेड रिसर्च से प्लांट वगैरह बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लोटस वगैरह का प्लांट है, पॉन्ड के अंदर लगा पड़ा है, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत तरह तरह के प्लांट हैं, ताकि वो प्रैक्टिकली हो, क्योंकि बॉटनी तो वो पूरी तरीके से बायोसेल वगैरह से रिलेटेड होता है, इसलिए बहुत सारे प्लांट वगैरह हैं, कैक्टस वगैरह के, और जितने भी है तो मैं पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पे बॉटनी डिपार्टमेंट जो थी वहाँ पे उसकी गार्डन वगैरह थी। अब हम लोग, मैं आपको कुछ एक दो डिपार्टमेंट और बचे, फिर मैं उस डिपार्टमेंट को दिखा के इस वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा। जो पहले यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट था, उसके जस्ट सामने यहाँ पे देखिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, यहाँ पे अब बुक वगैरह इशू करा सकते हैं, और वही बिल्डिंग वगैरह है, और बिल्डिंग वगैरह के साथ साथ अब देखते इसके पीछे क्लासेस वगैरह, लेकिन अभी ऑफ चल रही है तो बंद है इसी वजह से। तो देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे लाइब्रेरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग उधर सारे डिपार्टमेंट आपको दिखा दिए, कुछ कुछ बस एक दो डिपार्टमेंट और बचे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की ओर वीडियो एंड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आगे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीजी ऑफिस है, पीजी वगैरह के जो भी बच्चे यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और कोई भी उसको काम वगैरह आता है तो यहीं से उनको सर प्रशासनिक भवन है, तो मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आज के यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा, ऊपर फिर यहाँ डिपार्टमेंट दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर आपको वहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस जो के भी सारे डिपार्टमेंट हैं, यहीं ऊपर है, तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। साइड बहुत सारा डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको वीडियो के सहारे बहुत कुछ दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे डिपार्टमेंट कुछ डिपार्टमेंट दिख रहा है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पीछे है, और मैं आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो वीडियो के सारे दिखाता हूँ। पीछे देख सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट या कुछ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीएमपी पे कॉन्फ्रेंस हॉल में आ चुके हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है सीएमपी की, और यहीं पे सारे लोग बैठ के मीटिंग वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है टीचर्स वगैरह की, यहीं पे करते हैं। हम लोग वहाँ से आगे निकल चुके हैं, और मैं बस एक लास्ट डिपार्टमेंट बचा है, वो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी बिल्डिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को दिखा के मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। लोग जितने भी डिपार्टमेंट था मैंने दिखाने की कोशिश की, और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक है, तो आप वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग सीएमपी का पूरी तरीके से ब्लॉग बना के बाहर निकल चुके हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो फाइनली हम लोग सीएमपी से बाहर आ चुके हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ों का भी ब्लॉग दिखाऊँगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।